हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और आज हम कैवेलियर पोइट्री के विषय में थोड़ा देखेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि क्या क्या है और कौन कौन से पोएट इस पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उसको भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर कैवेलियर पोइट्री या कैरोलाइन पोइट्री की बात करें तो ये कैवेलियर जो है टर्म या एडजेक्टिव है, चार्ल्स के लिए यूज़ होता है। ये एक इस तरीके का ग्रुप था कि जो कि मिड 17th सेंचुरी में शुरू हुआ। सो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि द टर्म कैवेलियर इज़ यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ मिड 17th सेंचुरी पोएट्स हु साइडेड विद किंग चार्ल्स फर्स्ट अगेंस्ट द पार्लियामेंट। तो सिविल वॉर के ड्यूरिंग, इंग्लिश सिविल वॉर के ड्यूरिंग, जो ग्रुप ऑफ पोएट चार्ल्स फर्स्ट के फेवर में थे या चार्ल्स फर्स्ट की तरफ से थे और पार्लियामेंट के अगेंस्ट थे, वो कैवेलियर पोएट कहे गए। अब ये जो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पोएट्स थे, ये इनको कहा जाता है कि ये बेन जॉनसन के बहुत बड़े फॉलोअर्स थे। इनको सन्स ऑफ बेन भी कहा गया है और ट्राइब्स ऑफ बेन भी इनको कहा जाता है। तो ये टर्म अगर आपको कहीं देखे कि सन ऑफ बेन कौन है, तो सन्स ऑफ बेन जो है ये कैवेलियर पोएट को ही कहा जाता है, क्योंकि दे आर द फॉलोअर्स ऑफ बेन जॉनसन। अब इसका अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें पर्टिकुलर इस पोइट्री की, इस फॉर्म ऑफ पोइट्री की, तो ये काफ़ी म्यूज़िकल, इनकी जो लिखावट होती थी या इनके जो पीसेज हैं, लिटरेरी वर्क हैं जो इनके, ये काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िकल हैं, लाइट हार्टेड हैं और पॉपुलर विद द रॉयल कोर्ट। ये रॉयल कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए बिकॉज दे आर द कोर्टियर्स, जो कि कोर्टियर भी थे और पोएट भी थे। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनकी जो पोएम होगी वो इन फेवर ऑफ द कोर्ट, इन फेवर ऑफ द किंग होगी। एंड सो मैनी कैवेलियर्स रोट म्यूजिकल एंड लाइट हार्टेड वर्स दैट वॉज पॉपुलर विद द रॉयल कोर्ट। और कुछ कॉमन अगर टेक्निक देखें कैवेलियर्स की, तो वो है कि उनकी जो स्टाइल थी वो कन्वर्सेशनल स्टाइल थी, और जो पैटर्न था, स्पीच पैटर्न था, या इनके जो वर्क में आप वे ऑफ पुटिंग द थिंग अगर आप देखोगे तो दैट इज़ वेरी नेचुरल, एंड यूज़ रेगुलर एंड रिदमिक पैटर्न, एंड यूज़ ऑफ मेटाफर है, कोर्टली थीम होती थी इनकी। इनका प्राइमरी पर्पज़ अगर कहा जाए तो इंटरटेनमेंट था रैदर देन इंस्ट्रक्ट द पीपल, दे इंटरटेन द पीपल। मेटाफिजिकल पोएट और पोइट्री और कैवेलियर पोइट्री में सबसे बड़ा डिफरेंस देखा जाए तो यही है, उनका जो मकसद था, मेटाफिजिकल पोएट्स का जो मकसद था, वो लोगों को इंस्ट्रक्ट करना था। दे डोंट बिलीव इन इंटरटेनिंग द पीपल, उनका ये मतलब था कि उनके मॉरल, ह्यूमन के मॉरल चीज़ों को इन्हांस किया जाए, मॉरेलिटी को इन्हांस किया जाए। बट अगर हम कैवेलियर पोएट को देखते हैं, अनलाइक मेटाफिजिकल पोएट, दे बिलीव इन इंटरटेनमेंट एंड द पर्पज, द मेन, द प्राइमरी पर्पज ऑफ देयर वर्क इज टू इंटरटेन द पीपल। दूसरा जो पॉपुलर अगर थीम की बात करें तो कोर्टली थीम तो थी ही, साथ साथ ब्यूटी, लव, लॉयल्टी, सेंशुअल लव, सेंशुअल प्लेजर्स और लग्जरी और सेक्शुअल प्लेजर, इन सब चीज़ों पे इन्होंने काफ़ी लिखा है इन्होंने, इन लोगों ने। अब कैवेलियर पोएट को देखा जाए तो ये ट्रेडिशनल पोएट्री से अपने सब्जेक्ट मैटर में काफ़ी डिफरेंट है। इनका जो सब्जेक्ट है वो जिस पे इन्होंने लिखा है तो वो काफ़ी अलग हो जाता है ट्रेडिशनल पोइट्री से। इंस्टीड टैकलिंग द इशू लाइक रिलीजन, फिलोसफी एंड आर्ट, दे फोकस ऑन सेंशुअल इमोशंस, दे फोकस ऑन ब्यूटी, दे फोकस ऑन एंटरटेनमेंट। तो इन्होंने जो टॉपिक चुना वो काफ़ी लाइट हार्टेड टॉपिक था, रैदर देन अगर आप मेटाफिजिकल पोइट्स को देखें तो उनका जो टॉपिक था जिस पे उन्होंने काम किया है, जिस पे उन्होंने लिखा है, वो बहुत ही सीरियस टॉपिक था। दे आर बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड जो उनके टॉपिक हुआ करते थे, दे आर स्पिरिचुअल, दे आर मिस्टिक एंड दे आर हार्ड टू अंडरस्टैंड। बट अगर कैवेलियर पोइट्स को आप देखेंगे तो दे आर वेरी वेरी इंटरटेनिंग, सो दे आर ईजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इसमें कोई स्पिरिचुअलिटी इन्वॉल्व नहीं थी। और जब भी कोई चीज़ बहुत स्पिरिचुअल हो जाती है और बियॉन्ड आपके सेंसेस और एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है, तो वो उसको थोड़ा समझना लिटिल बिट डिफ़िकल्ट होता है कंपेयर टू द वर्ल्डली थिंग, बिकॉज यू सी, यू परसीव द थिंग्स, बट जो कि आपके बियॉन्ड है, आप सेंसेस के बियॉन्ड है, उसको समझना
थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. तो ये एक मेजर डिफरेंसेस आपको कैवेलियर पोइट में और मेटाफिजिकल पोइट्स में दिखेगा. दे आर मेटाफिजिकल पोइट वर वेरी वेरी सीरियस अबाउट देयर टॉपिक. दे नो व्हाट दे आर डूइंग. दे आर उनका इंटेंशन था कि दे हैज़ टू रिफॉर्म द पीपल. उनकी मॉरेलिटी को इन्हांस करना है. और मेटाफिजिकल पोइट्स को अगर आप देखा आप कहें तो एक तरीके से वो प्यूरिटन थाट को थोड़ा सा उन्होंने ज़्यादा प्रोपोगेट किया. अगर आप कैवेलियर पोइट्स को देखेंगे तो दे आर वेरी वेरी लाइट इन नेचर. मतलब उनका जो राइटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट है कंपेयर टू देम. सो ये एक मेजर डिफरेंस है. अब कैवेलियर पोइट्री एम टू एक्सप्रेस द जॉय एंड सिंपल ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेलिब्रेटरी थिंग्स सच एज लाइवलियर देन द ट्रेडिशनल वर्क ऑफ देयर प्रीडिसेसर्स. तो इन्होंने अपने जो प्रीडिसेसर्स हैं उनके जो वर्क जिस पे उन्होंने काम किया, जो इनके मतलब पहले के जो राइटर्स हैं, जो इनके प्रीडिसेसर्स हैं, तो उन लोगों ने जिन जिन टॉपिक पे काम किया उनसे काफ़ी अलग हट के इन्होंने टॉपिक उठाया. और इनके जो इनका मेन एम वही जॉय था, सिंपल ग्रेटिफिकेशन है. आप सेलिब्रेट कर रहे हो चीज़ों को. बहुत ही लाइवली पोएम्स कैवेलियर्स की रही है. लैंग्वेज जो है इनकी अगर आप देखोगे तो वेरी वेरी डायरेक्ट थी और कोलोक्वियल लैंग्वेज कहा जाता है. लिखने के लिए उन्होंने पर्सनल जो भी इन्होंने पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो भी इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है दे आर वेरी वेरी डायरेक्ट इन नेचर. इनकी लैंग्वेज बहुत डायरेक्ट हुआ करती थी. और दे एक्सेप्ट द आइडल ऑफ द रनाइसा जेंटलमैन हु इज़ एट वंस लवर सोल्जर विट man of affair, musician, a poet, but abandoned the notion of his being also a pattern of a Christian chivalry. तो इन्होंने रेनाइसा का जो आइडिया था उसको इन्होंने पकड़ के रखा. अगर आप मेटाफिजिकल को देखोगे तो दे सिंपली रिजेक्ट दोज आइडियाज़. बट इन्होंने उस चीज़ों पर काम किया. और वो जो रेनाइसा मैन है जो कि एक लवर भी है, एक सोल्जर भी है, एक मैन ऑफ अफेयर भी है, कोई म्यूजिशियन भी है, कोई पोइट भी है, तो इन सब चीज़ों को उन्होंने एक्सेप्ट किया. उन्होंने उस पर ही काम किया है अगर कैवेलियर्स की बात की जाए. दूसरा इम्पॉर्टेंट फीचर इनके अगर हम देखते हैं पोइट्री को, अगर हम इनके पढ़ते हैं तो देखने को मिलता है कि बहुत सारी जो इनकी पोइट्री है वो लाइट इन स्टाइल और जनरली वेरी सेक्युलर इन सब्जेक्ट. मतलब बहुत ही सेक्युलर है नेचर में. कुछ बहुत ही रिलीजियसली किसी चीज़ को फेवर नहीं किया. ना ही प्यूरिटन्स को फेवर कर रहे हैं, ना ही कैथलिक्स को फेवर कर रहे हैं, ना ही प्रोटेस्टेंट को फेवर कर रहे हैं. लेकिन बहुत ही सेक्युलर इन नेचर. दे keep themselves apart from the religion. उन्होंने अपने आप को रिलीजन से काफ़ी दूर रखा. उस सब्जेक्ट को इन्होंने टच ही नहीं किया. और ब्यूटी पे, लव पे, लॉयल्टी पे इन्होंने काफ़ी काम किया है. तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जो इनका पोएट का जो टॉपिक होता था जिसपे उन्होंने पोइट्री की है दे आर वेरी सेक्युलर. और इन्होंने कभी भी ये अटेम्प्ट नहीं किया कि आपके सोल की डेप्थ, अपने अंदर जो डेप्थ है उस पर आप काम करो या उस चीज़ को बाहर निकालो. डेप्थ ऑफ द सोल आपकी क्या है, सोल को पहचानिए. इन सब चीज़ों में ये नहीं पढ़े. इन सब चीज़ों में मेटाफिजिकल्स पढ़े हैं. उन्होंने सोल्स पे काम किया है, आपकी डेप्थ कितनी है उस पर काम किया है, स्पिरिचुअलिटी पे काम किया है और प्लेटोनिक लव पे काम किया है. बट अगर आप ऑन द अदर हैंड कैवेलियर्स को देखेंगे तो दे आर वेरी शैलो इन नेचर. वो इतना डीप नहीं जाते हैं. वो ऊपर ऊपर जो चीज़ें उनको दिखती हैं उन्होंने उसी पे पोइट्री की और उसी पे अपने व्यूज़ रखे हैं. अब कुछ इंपॉर्टेंट अगर पोइट्स की बात करें जो इस पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करते थे तो उसमें रॉबर्ट हैरिक हैं, जॉन सकलिंग हैं, रिचर्ड लवलेस हैं एंड थॉमस कारियू. कभी कभी क्लेवरलैंड की भी बात आती है. और इन सब में अगर एक पोइट जो पूछे कि इस पर्टिकुलर जो कैवेलियर ग्रुप ऑफ पोइट्स थे उसमें कौन सा ऐसा पोइट था जो कि कोर्टियर नहीं है, जो कि कोर्ट से बिलोंग नहीं करता, तो दैट इज़ रॉबर्ट हैरिक. ये कोर्ट से बिलोंग नहीं करते थे. और जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि जो कैवेलियर पोइट्री इज़ जनरली स्टाइलिस्टिकली सिंपलर देन द बेस्ट ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट्री. ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल थे. स्टाइल जो कैवेलियर्स की थी वो सिंपल थी और मेटाफिजिकल्स की जो थी वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी. बोथ जो भी इन्होंने लिखा, बोथ स्कूल ऑफ द पोइट्स ने जो जनरेट किया या जो उन्होंने लिखा अपना, वो कहीं ना कहीं इनरिच ही किया है लैंग्वेज को, लिटरेचर को और
एक तरीके का ये अचीवमेंट बोला जा सकता है एलिजाबेथन एज का। दूसरी अगर आप देखें इनका टाइम पीरियड देखें जो कि किस क्या टाइम फ्रेम रहा है जिसमें कैवेलियर पोइट्स काफ़ी एक्टिव रहे, तो दैट इज़ बिटवीन 637 to 660। इस बीच का जो टाइम है ये कैवेलियर पोइट्स का टाइम है, और कैवेलियर पोइट्स को कहा जाता है कि दे आर नोन फॉर द आइडिया ऑफ कार्पे डीमा। ये एक ऐसा आइडिया है जिसमें कहा जाता है सीज द डे, मतलब आप आज में हो तो आप आज में जिंदा रहिए, आपको फ्यूचर नहीं सोचना है, जो पर्टिकुलर टाइम आपको मिला है उसको आप ग्रैब करो, उसको इंजॉय करो और उसी पे काम करो, फ्यूचर को सोच के पास्ट को सोच के, डोंट वेस्ट योर प्रेजेंट एंड इंजॉय इट एंड सीज दैट डे। तो ये इनका एक बोला जाए तो एक आइडिया था या एक आइडियल था जिसपे ये बहुत ही फर्मली बिलीव करते थे कि सीज द डे, डोंट थिंक मच ऑफ फ्यूचर और पास्ट को लेके बॉदर मत करिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कैवेलियर पोइट्स की और कैवेलियर पोइट्री की, और आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा लेक्चर। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो मैं मेटाफिजिकल पोइट्स का एक अलग लिस्ट दे दूंगी, कैवेलियर पोइट्स का अलग लिस्ट दे दूंगी, जितने उनके इम्पॉर्टेंट वर्क हैं उन सबको भी देख लेंगे, और अगर आप कहेंगे तो उसको मैं और डिटेल में भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, आई होप द लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा ये, एंड स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।